खुशी किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ टेस्टी मसालेदार यूपी और बिहार स्टाइल के चटपटे चिकन। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 kg चिकन को धो के अच्छे से रख लिया है और इसमें से पानी बिल्कुल भी, आपको जितना भी इसमें से पानी निकले वो निकाल देना है। और उसके बाद हमने हमने लिया है एक हमने कम से कम 7 प्याज लिए हैं इस साइज़ के, मीडियम साइज़ के। और मैंने 4 टमाटर लिए थे बिल्कुल मीडियम साइज़ के, और 6-7 हमने ली थी मिर्च की फलियाँ, और हमने इस साइज़ के लिए थे 15 लहसुन की कलियाँ। प्याज, टमाटर और टमाटर तो मैंने टमाटर, मिर्च और लहसुन को मिक्सी में ग्राइंड करके इस तरह से पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको गाढ़ा पेस्ट बना लेना है। और जितना भी पेस्ट बनेगा उसका सारा आपने 2 चम्मच उसमें मिक्सी में छोड़ देना है पानी तैयार करने के लिए, जो हम तरी के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी सारा आपने ऐसे कटोरी में निकाल लेना है। उसके बाद जो हमने ये प्याज काटा था, इस प्याज को हमने क्या करना है, थोड़ा सा प्याज आपने इस तरह से, इतने प्याज लेने हैं, और आपने इसको चिकन में मिक्स कर देना है इस तरह से बस। और बाकी का जो प्याज है, हम उसको तड़के में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम तड़का लगाना स्टार्ट करते हैं। अब कढ़ाई में हमने 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया है, और तेल अच्छे से मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें डालने जा रही हूँ मैं कुछ खड़े मसाले। इस प्रकार से ये मैंने 2 बड़ी इलायची कूट ली है, और ये है तेज़पत्ता, और ये है जीरा। इसको हम एक साथ प्याज में तड़के में तेल में डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज काट के तैयार रखे थे, अब हम इसको तड़के में डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से कम 10 मिनट तक आप प्याज को अच्छे से फ्राई करोगे। जब प्याज थोड़े गल जाएंगे फिर हम इसमें टमाटर का, जो हमने ग्रेवी तैयार की थी लहसुन टमाटर और हरी मिर्चों की, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो तब तक हम गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम पे रख देंगे, और इसमें प्याज काफ़ी हमारे जल्दी गल जाए। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। अब हम प्याज में 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अगर नमक कम खाते हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। और नमक ऐड करके इसको हम अच्छे से चला देंगे। उसके बाद हम इसको लो फ्लेम पे ही ढक देंगे, और बीच बीच में आप 2-2 मिनट बाद कड़छी मारते रहिएगा ताकि प्याज अच्छे से आपके गल जाए। फ्रेंड्स, तो अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम देख लेते हैं अपने प्याज। और मैं इसको हर 2 से 3 मिनट में इसको चलाती भी रही हूँ। थोड़े से प्याज जो है वो कैरमलाइज हो गए हैं, और अब आप इसमें ऐड करेंगे जो हमने तैयार किया था लहसुन, मिर्च और टमाटर का ग्रेवी। ये अब हम इसमें ऐड करेंगे, और फ्लेम को आप थोड़ा सा हाई कर दोगे, ज्यादा नहीं, मीडियम हाई कर दीजिए। और अब इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। अब साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। ये मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी, और 1/2 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर। इसको मैं एक साथ अब इस मसाले में ऐड कर दूंगी। नमक हम पहले ही डाल चुके थे प्याज के, प्याज को जल्दी कैरमलाइज करने के लिए। अब देखिए आपकी जो ग्रेवी, जो तड़के की ग्रेवी है, वो कितने अच्छे से थिक होती जा रही है, और कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब क्योंकि हमें जब तक मसाले तेल ना छोड़ दें तब तक हमें उन्हें पकाना पड़ता है, तो मसालों को चलाते रहिए ताकि वो जल ना जाए। अब फ्रेंड्स, मेरा मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। देखिए, मसालों में से तेल निकल रहा है, इट मीन्स मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने चिकन में प्याज मिक्स करके रखा था, अब ये इसमें ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा चिकन बनाना है तो कम से कम 1 घंटा 15 मिनट तो आपको बहुत ही पेशेंसली काम करना पड़ता है इसको बनाने के लिए। अब इसको बहुत अच्छे से चलाना है, और बार 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 मीडियम फ्लेम पे इसको चलाते रहना है आपको। अब इस प्रकार से आपको ये अच्छे से चलाते रहना है, और हर 3 से 4 मिनट में कड़छी लगाते रहना है। चिकन जलना, चिकन जो है आपका जलना नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे से
और जब तक चिकन अच्छे से गल नहीं जाते, कम से कम आपका 20 मिनट से लेकर 30 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छे से फ्राई करने में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो चलिए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और हर 3 से 4 मिनट में हम इसको चलाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम एक बार फिर से चला लेंगे और ये आपको तब तक करना है जब तक कि आपके चिकन गल नहीं जाते, कम से कम 30 मिनट। अब देखिए फ्रेंड्स, मुझे इसको फ्राई करते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कलर 25 मिनट बाद कुछ ऐसा आएगा और मैं हर 4 से 5 मिनट बाद इसको इसी तरह से चलाती भी रही हूँ। और ये थोड़ा सा जो आप इसमें पानी देख रहे हैं, ग्रेवी देख रहे हैं, ऑलरेडी चिकन में जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो निकला है। अब हमारा चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप चाहे तो निकाल के खा के टेस्ट भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पानी तैयार किया था। ये मैंने जो मेरी टमाटर, मिर्च और अदरक के जो ग्रेवी की 2 चम्मच मैंने पानी में ऐड किया था, ये ग्रेवी, ये जो पानी है ये उससे बना है। अब इसमें 1 गिलास पानी में ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा ग्रेवी खाना चाहते हैं, तो ज़्यादा तरी बनाना चाहते हैं, तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। बट ज़्यादा पानी ऐड करने से क्या होता है, चिकन का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। फिर आप उतना मज़ा नहीं ले पाओगे चिकन का जो एक्चुअल में आपको आएगा। देखिए फ्रेंड्स, उबलते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं और अब आपकी ग्रेवी और चिकन बनके बिल्कुल तैयार है। ऐसा लाजवाब चिकन देखिए, कलर कितना सुंदर आया है इसका। और आप खा के देखिएगा और मुझे प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपकी चिकन ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है।